नखों नु फड़ दिए, पेट फड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है, अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए पहला, सनातन समाज के बारे में सोचिए दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में कहते हुए कि सनातन को डेट। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका नाम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर किए गए एक विवादित बयान के चलते चर्चा में है। नुपुर शर्मा ने हाल ही में बुलंदशहर में आयोजित ब्राह्मण सभा में इस घटना का जिक्र करते हुए दावा किया गया कि राम गोपाल मिश्रा को बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उसे मारा गया। उनके अनुसार उन्हें 35 गोलियां मारी गई और उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। हालांकि अब नुपुर शर्मा ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली है और इसे एक गलतफहमी का नतीजा बताया है। नुपुर शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि राम गोपाल मिश्रा को हिंसा में बुरी तरह से तड़पाया गया और निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने जनसभा में यह बात कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का समर्थन भी किया। शर्मा ने कहा कि क्या किसी को 35 गोलियां मारना ठीक है? उनके नाखून उखाड़ देना ठीक है? क्या हमारे देश का कानून सिर्फ झंडा उखाड़ने का, किसी की निर्मम हत्या करने की इजाजत देता है? यह बयान देते समय मंच पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा भी मौजूद थे। नुपुर शर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या बयान दिए हैं, आप भी ये वीडियो सुनिए। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है, अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए पहला, सनातन समाज के बारे में सोचिए दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में कहते हुए कि सनातन को डेट। बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। हालांकि इस बयान के बाद जैसे ही सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर बहस शुरू हुई, नुपुर शर्मा ने जल्द ही अपने बयान को लेकर सफाई दे दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। नुपुर शर्मा के बयान के बाद बहराइच हिंसा से संबंधित इस घटना पर और भी कई अफवाहें फैलने लगी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि राम गोपाल मिश्रा को मौत से पहले क्रूरता का सामना करना पड़ा था, लेकिन बहराइच पुलिस ने इन सभी दावों का सख्त खंडन किया और लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राम गोपाल मिश्रा की मौत सिर्फ गोली लगने से हुई है और कोई अन्य यातना का सबूत नहीं मिला है। बहराइच पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा, राम
गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने के कारण हुई है और इससे किसी भी प्रकार की यातना या नाखून उखाड़ने की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी अफवाहें फैलाना पूरी तरह से गलत है और इससे समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे इन भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। दुर्गा विसर्जन की रैली के दौरान बहराइच जिले में हिंसा भड़क गई थी जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। घटना के समय विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक समूहों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में खासा हंगामा पैदा कर दिया था। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पहले भी अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रह चुकी है और इस ताजा घटना ने उन्हें एक बार फिर विवादों के केंद्र में ला दिया है। हालांकि इस बार माफी मांगने के बाद उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन उनके बयान से उत्पन्न विवाद अभी भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।